thinking of love Maybe we fell love mm -hmm. where we are: mm -hmm. OK.: Hi everybody, Good morning, good morning, good morning. कैसे हैं भाई सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो आज हमारे सी बी एस ई रात्रि का लास्ट में देखते हैं सो so, पहले आपसे बात करते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आजाद रॉय स्वीटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एजन एंड रीजन एंड केयर स्टडी विस क्वेश्चन नीरज सिंह हाई ओके आदित्य आर्यन गाजी स्टेटस अनु जीत प्रज्वल रितिका अमृता गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इंडिया कैसे हैं भाई सब लोग गुड मॉर्निंग कैसे हो भाई सब लोग हाँ तुम्हारे नाम बड़े बड़े दिखने चाहिए ये लोग बड़े बड़े दिखेंगे अनुष्का गुड मॉर्निंग रोशनी गुड मॉर्निंग अजय ठाकुर कियारा अभिजीत गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैं चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बोल रही हूँ क्या मैं चिल्ला के बोल रही हूँ मेरी मेरी आवाज़ कानों में चुपती नहीं थी तुम्हें गुड मॉर्निंग यार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवान गुड मॉर्निंग रितिका पुनर्दीप डॉक्टर चीनस कियारा आनिंदा ओके कैसे हैं फिर सब लोग भाई कैसे हैं कैसे हैं सब लोग कैसे हैं बढ़िया हैं? बढ़िया हैं सब लोग क्या किया फिर हम्म तुम्हें अभी यहाँ पे लाया जाए नहीं यहाँ से तुम्हें यहाँ नहीं लाया जाएगा अदरवाइज ये हो जाएगी प्रॉब्लम तुम्हें लाया जाएगा इधर से यहाँ ठीक है चलिए और ये तुम यहाँ पे हो और अभी आई कैन सी यू सो भाई कैसी गई तुम्हारी अभी तक से लेके कल बायोटेक्नोलॉजी का वो किया हाँ अटेंड किया लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी का ओह ओह हाँ बायोटेक्न लेक्चर अटेंड किया था कल हाँ अच्छा <coughs> तो uh, आज हम लोग करने वाले हैं यार एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन सो कोई बात नहीं अगर आप नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हो तब भी तुम अभी सही प्लेटफॉर्म पे बैठे हो बिकॉज एजर्शन रीजन क्वेश्चन कैन कम इन योर नीट एग्जाम ऑल्सो है ना तो आ सकते हैं उसमें भी तो बिल्कुल राइट right प्लेटफॉर्म पे बैठे और तुमसे ज्यादा मेंटेन मैं करवाना चाहती हूँ बट आई uh, टोल्ड यू दैट थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है मेटे में वी आर ट्राइंग टू फेच इसको फिक्स इट अप इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं सो डोंट वरी हो जाएगा हम्म अच्छा मैम आज तूफानी किया आज मैंने अच्छा वेरी गुड बैट तोड़ दिया इसको तूफानी करना कहते हो तुम है तुम्हें? बैट तोड़ लड़ाइया लड़ाइया हैं क्या तुमने सना मैम कैसे हो मैं ठीक हूं अच्छा अच्छा ठीक है कृतिका कब सही होगा मैंटी मैम इवन आई एम आई एम थिंकिंग दैट कि कब सही होगा यार मैं सोच रही हूँ कि कैसे उसको सही किया जाए जल्दी से जल्दी एंड आई रियली रियली वॉन्ट दैट टू हैपन ड्रॉपर फॉर 2023 में भी आएगा ये हाँ हाँ बिल्कुल आएगा क्यों नहीं आएगा भाई 2023 में भी आएगा क्यों नहीं आएगा अच्छा चलो ठीक है तो चले शुरू करें फिर हाँ आई वन प्रैक्टिस आई प्रैक्टिस अ सॉन्ग फॉर क्रिसमस टुडे वेरी गुड स्वीटी बालोजी वेरी गुड वेरी गुड अच्छा सो आज आज हम क्या करने वाले हैं बताओ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे आज क्या करने वाले हैं हम लोग क्यों मिले हैं शाबाश शाबाश बताओ क्यों मिले हैं आज हम लोग हाँ। आज की हाँ लेट्स स्टार्ट हाँ आज की बात करते हैं why, why

लाइक कर दिया वीडियो को लाइक like कर दो फटाफट फड़ से हाँ तूफानी तो करने बिल्कुल बिल्कुल मिल रहे हैं राइट चलो तूफानी तो करते हैं यूनिट वन एग्जैक्टली चलो एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन आगे जाने से पहले एक रैपिड फायर राउंड में पूछ लेती हूँ आपसे हम्म रैपिड फायर क्वेश्चन एक रैपिड फायर क्वेश्चन आगे जाने से पहले ऑन लेट अस जस्ट सी सीगी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर द क्वेश्चंस रेडी है सब लोग रेडी है रेडी है सब लोग एजर्शन रीजन के लिए हा? चलो सो अ क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ये है एजर्शन रीजन में से पूछते हैं ना अच्छा um, कैसे पूछेंगे तो चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं सो फैमिली प्लानिंग की बात कर लेते हैं फैमिली प्लानिंग सबसे पहले इंडिया में कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था शाबाश बताओ फैमिली प्लानिंग इंडिया में कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था शाबाश जल्दी बताओ हाँ गुड 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 बताओ बताओ 1971 में 1951 में 1951 में और 1971 में तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1951 किसमें लॉन्च किया गया था 1951 में लॉन्च किया गया था बेटा राइट सो 1951 वाज़ वन ईयर जब सबसे पहली बार इसको लॉन्च किया गया था ठीक है तो एनीवेज इंडिया वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च दिस आपको पता ही है इसके बारे में सो so, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं खेर आज का हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है हैीजन्स तो उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या है बेटा तो चलो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ तो टॉप 50 आपके एजर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं और बेटा आपका आज का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम ग्रुप को भी नहीं अभी तक ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो सारे पी आपको वहीं पर मिलते हैं ये मेरा वे प्लेटफॉर्म है वे में आप वन टू वन इंटरक्शन करके बेटा आपको टीचर्स पढ़ाते हैं लाइक लाइक अभी वन वे टॉकिंग है मैं आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ आप मुझसे बात करना चाहो तो थ्रू चैट के थ्रू कर सकते हो यहाँ आप डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हो आपके लिए चिल्ड्रन डे स्पेशल ऑफर चल रहा है बेटा ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज जितने भी कोर्स है उसके फिफ्टी परसेंट ऑफ है आप पे <coughs> आपने कूपन कोड लगा देना एम एस प्रो और आपको वो ऑफर मिल जाएगा ठीक है आज का जो विचार है पीपल विद नो पावरफुल पर्पज टू परस्यू ऑफन टेंड टू डिस्ट्रैक्ट देयर माइंड फ्रॉम द रियलिटी तो जो लोग बहुत ही सिनेमा वगैरह से है ना वो सीरीज वीरीज से चिपके रहते हैं सो दे शुड सी कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं कहीं वो गोल छोटा तो नहीं हो गया है जो सेट उन्होंने किया था सो so अपने गोल का लेवल जो है वो बढ़ा दो ठीक है चले शुरू करें फिर तो आज का हमारा टॉपिक रहा यार ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीबीएसई रात्रि द फाइनल डे एंड डे थ्री और बेटा इसमें आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉप 50 क्वेश्चंस तो अभी हम लोग करने वाले हैं टॉप ट्वेंटी रेडी है तो आज मैं किसी को मॉनिटर बनाऊंगी वो भी वॉच करेगा मैं भी वॉच करूंगी कि कौन आंसर पहले दे रहा है है ना आप, आप लोग मेरा साथ देते रहे हो अभी तक भी एंड आई आई नो कि अभी तक जब तक मेनटेन नहीं ठीक होगा एंड यू विल हेल्प मिंग आउट इन दैट सो आज मैं अभी बना देती हूँ सो uh, so, um, किसको बनाया जाए भाई आज बनाते हैं दीपाली चक्रवर्ती दीपाली चक्रवर्ती को आज क्लास का मॉनिटर बना दिया गया है अभी दस क्वेश्चन के लिए सो so, दीपाली आपको क्या वॉच करना है कि कौन आंसर पहले दे रहा है क्वेश्चन का ठीक है सही आंसर राइट सबसे पहला किसने आंसर दिया पहले तीन आंसर देखना उसमें से पक्का एक ना एक सही आंसर होता है ठीक है तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी हमेशा पहले तीन दीपाली ठीक है डन है ना एक्सेप्टेड हाँ, तो तीन आपने वो देखने हैं और uh, हाँ ओके okay, तीन देखने हैं आपने और तीनों में से एक ने एक का सही आंसर होगा ठीक है ओके okay, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्विज़ टाइम सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सबको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सबको एंड क्विज़ टाइम शुरू करते हैं यार आज का सबसे पहला क्वेश्चन एंड रेडी रहना तुम लोग ठीक है सो आईज हियर ऑन द स्क्रीन एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन रीजन गाइज इंटस्टीशियल सेल इज प्रेजेंट इन द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेस्ट कॉल इंटरशियल स्पेश रीजन है विक्की विशाल ने दिया है आंसर ए टेक्नो ने दिया है डी अनन्या सिंह ने दिया है सी और देखते हैं किसका आंसर सही है याद रखना तीनों नाम हा ए बी सी इंटस्टीशियल सेल्स पे क्वेश्चन आया है

न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सर्टोली सेल्स ठीक है ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं बेटा ये प्रोड्यूस uh, करते हैं वेरी गुड so, बहुत बढ़िया अनन्या इज विनर ऑफ द हाउस फॉर दिस राउंड नाउ लेट एस जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये रह, reason, पता है ना सबको कैसे सोल्व करते हैं एक स्टेटमेंट दी होती है दूसरा उसका रीजन होता है तो कई बार स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही होते हैं लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट रीजन 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 नहीं होता है उसका इन दैट केस आप सी को टिक करते हो बोथ एंड ट्रू बट इज नॉट द स्टेटमेंट है ना कुछ और का कुछ और है लिखे लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है पहला ऑप्शन आप तब टिक करोगे जब एजर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन एकदम एजर्शन का एग्जैक्ट रीजन है ठीक है ना राइट right. समझ में आ गया तो ये ये बिल्कुल सही है और इसका रीजन कोई नहीं है दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो उसका करेक्ट रीजन नहीं है ठीक है तीसरा एक स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है चौथा दोनों स्टेटमेंट गलत है आपको बस यही फॉलो करना होता है इसमें है ना चार ही ऑप्शन है चार ही इसकी पॉसिबिलिटी है या तो दोनों गलत है या तो दोनों सही है दोनों सही है और उसका रीजन एकदम करेक्ट रीजन है है ना बस यही देखना है तुमको सबसे पहला चीज जो आपने रीजन में ये देखना होता है बेटा कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आपका पहले दो में से ही आंसर आ जाएगा याद रखो ना फिर तुम लास्ट के दो को देखोगे ही नहीं ठीक है अगर पहले दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो दोनों में आएगा अब तुमने ये पढ़ते हुए यही देख लिया था कि यार रीजन तो फॉल्स ही स्टेटमेंट है तो तुम पहले दो को तो छोड़ दोगे तुम फिर लास्ट के दो में से ऑप्शन निकालोगे हमेशा याद रखना इस बात को क्या बोला मैंने अगर दोनों सही है अगर पहले स्टेटमेंट्स आपके दोनों सही है तो ए या बी में से आंसर आ जाएगा अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट गलत हो गई तो सी और डी में से ही आंसर होगा करेक्ट है करेक्ट डन हो गया अब इसको इंप्लाय करना यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन है द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एबडोम विद इन द स्क्रॉटम रीजन है मसल इन द स्क्रॉटम हेल्प टू में टेस्ट इज ने फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस तो यहां पर आनंदिता कृतिका करणदीप ने लिखा है ए गॉड गेम ने लिखा है ए अच्छा शाबाश शाबाश की होगा आई यू श्योर अबाउट दैट Why? Because, देखो तुमने ये देखा कि रीजन और स्टेटमेंट एजर्शन दोनों ही सही है तो ए या बी में से ही आंसर होगा एंड ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज बोथ एंड एंड रीजन रीजन आर ट्रू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इतना टेम्परेचर तो चाहिए इसको दीपू कौन विनर इसका कुनदीप इज अनर ऑफ द हाउस वेरी गुड करणदीप के लिए तालियां हो जाए वेरी गुड करणदीप के लिए तालियां बहुत, बहुत 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 बढ़िया

तो यहाँ पे कृतिका साहू ने लिखा है बी सबसे पहले और देखते हैं बाकी सब लोग ए लिख रहे हैं ए है बी है ए है हम्म हम्म हाँ 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 हा, शाबाश, शाबाश 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 ए पक्की बात है बल्ब ग्लैंड इज अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड और ये कहता है कि हेल्प एंड लुब्रिकेशन ऑफ दिन दरवाज फैसिलिटेटिंग द रिप्रोडक्शन ए होगा पक्की बात है दीपू ध्यान रखना है ठीक है इस इस पर का एंड द करेक्ट आंसर इज एक्टली बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थी तो आपको पता लग गया था ए और बी में से ही सही आंसर इसका होगा तो बल्बो ग्लैंड का दूसरा नाम है, ठीक है? और ये हेल्प करता है एल्कुलिटी प्रोवाइड करने में और लुब्रिकेशन ऑफ द पीनिस में ठीक है सो अनन्या इज अनर फॉर दिस हाउस अनन्या के लिए तालियां भाई अनन्नया के लिए तालियां वेरी गुड अनन्या वेरी गुड बहुत बढ़िया और इसी का एक होमोलोग

शाबाश ध्यान से आंसर देखना तुम देखो इसमें कि ये दो, दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं पहले कि नहीं है देखो ध्यान से देखो ईच सेमिनिफेरिस टब्यूल इज लाइनड बाय इनसाइड्स ऑफ थ्री टाइप ऑफ सेल्स वो मेल जर्म सेल्स है सर्टोली सेल्स और लेडीग सेल्स हैं ध्यान से आंसर दो इसका शाबाश शाबाश इसमें दिख रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या हैं उनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो इनफैक्ट दोनों ही स्टेटमेंट है सब गलत है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है ठीक है तो इसका आंसर होगा डी डी इज द करेक्ट आंसर सेमिनिस्टिब्यूल इन साइड में बाय ओनली टू सेल्स एक सर्टोली सेल्स एक आपके मेल जर्म सेल्स सर्टोली सेल्स और मेल तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत थी तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया <coughs> तो दो तरह के सेल्स होते हैं और नहीं और इस इस इसका विनर ऑफ द हाउस क्या है कौन of the house? इस है स्वीटी इस का दीपाली के लिए तालियां बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना एक बार दीपाली के लिए भी तालियां भाई दीपाली इज डूइंग ग्रेट जॉब वेरी गुड दीपाली शाबाश तो ये है आपका बोथ एन एंड रीजन आर फॉल्स वेरी गुड देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आपके कॉन्सेप्ट एकदम सही होने चाहिए अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम सही है फिर आपको कोई हिला नहीं सकता इन क्वेश्चंस में ठीक है चाहे जितने मर्जी क्वेश्चंस दे दो ऐसा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इनफंडिबुलम इज अ फनल शेप्ड पार्ट क्लोज टू द ओवरी रीजन है द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम शाबाश अभी तो तुम तो एकदम प्रो हो जाने चाहिए हो हाँ हाँ शाबाश हाँ, शाबाश शाबाश वेरी गुड ये इजी क्वेश्चन है इजी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन पीजी है ये पक्का ही होगा तुम्हें तो देख लिया हाँ, तुम्हें तो देख लिया देख दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और उसके रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वेरी गुड बहुत बढ़िया इन फंडिबुलम है ना ऐसा होता है ना इनफांडिबुल्पला एंड स्थेमस

तो जैसे ओवरी एग को रिलीज करती है ये फिम्बरी जो है इसको ले लेते हैं और सबसे पहला पार्ट हुआ के के बाद आम्पुला, आम्पुला के बाद इस्थमस राइट चलो शाबाश बहुत बढ़िया वेरी गुड गरिमा है तेरी किस्मत चिंता मत कर नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर ऑन द द्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई आफ्टर इम्प्लांटेशन हा रीजन है मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए अब हाँ कुछ बच्चे बी भी लिख रहे हैं हाँ शाबाश 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 वेरी गुड वेरी गुड हाँ कुछ बच्चे बी भी आंसर लिख रहे हैं इसका शाबाश हाँ वेरी गुड वेरी गुड एंड द करेक्ट आंसर इज बी बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखो तुम लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपियर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई आफ्टर इम्प्लांटेशन दैट इज करेक्ट ठीक है ये भी करेक्ट है कोरियोनिक विलाई आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मेटरल ब्लड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट रीजन जो है इसका वो इसका करेक्ट रीजन नहीं आपको पता है इसका क्या रीजन होना चाहिए टू होल्ड द एम्ब्रियो और टू यू नो प्लासेंटा को अच्छे ढंग से होल्ड करना आई डोंट नो इसको इंग्लिश में कैसे पुट अप करोगे तुम बट इसका रीजन जो एक्सप्लेनेशन जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि क्यों जो है ट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक बिलाई वो यूट्राइन और मेटर्नल उसको टिश्यू को इकट्ठा करता था, था कि जो आपका यूट्रस है वो प्लेसेंटा को अच्छे से होल्ड कर सके राइट ठीक है तो कौन है भाई इस, इसका विनर ऑफ द हाउस एंड सोनालिका सोनालिका इज द विनर ऑफ द हाउस वेरी गुड वेरी गुड सोनालिका के लिए तालियां भाई वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया सोनालिका के लिए तालियां वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया राइट तो ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है

हाँ शाबाश शाबाश वेरी गुड हाँ सी ए ए पक्का डैमशोर हाँ ए गरिमा गरिमा में ए डैम शे कर मैम ए होगा डैमशोर एंड यू गाइस आर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ये क्यों होगा बेटा देखो रीजन आउटसाइड इंटरस्टिशियल स्पेशियस विच कॉल्ड लेडिक सेल्स है ना उसमें लेडिक सेल्स रहते हैं लेडिक and testicular hormones called androgen. दोनों statement correct है, बस उसका वो वो नहीं है. Reason थोड़ी है थोड़ी इसलिए क्योंकि सीक्रेट करता है राइट ठीक है तो इसका करेक्ट कोई रीजन नहीं है पता नहीं इसका रीजन मुझे नहीं पता कि इसका क्या रीजन इसका रीजन कोई हो भी सकता है आई डोंट थिंक सो बट दी इसका वो करेक्ट रीजन नहीं हुआ राइट right. hmm. The region outside the seminiferous tubule was called interstitial spaces, which contain Leydig cells. ठीक है, Leydig cell जो है, synthesize इसका अगर reason बन पाता, तो ये reason बनता कि क्यों इसके बाहर वो present होता है, ठीक है? So anyways, um, um, I don't think so कि उसका मतलब ये reason यहाँ पे fit हो रहा है। लेकिन yes, this statement is also correct कि secrete the testicular hormones called androgens. Androgen testosterone जो है ये release करता, है, which is actually helping स्पर्मेटोजेनेसिस रीजन uh, अगर होता तो शायद ये हो सकता था कि कि में में करता है 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 जो जो आपको पता से जाता को इनिशिएट करने में help करता है ठीक है सर्टोली सेल्स को ओके okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विनर कौन है इसका ए, इसका विनर कौन हो गया शिवनाथ शिवनाथ इज अनर हाँ दीपू कौन वे इसका? इसका? विनर कौन है इसका जाम पांडे जैम जैम पांडे वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चीटिंग करा रहे हैं कौन चीटिंग करा रहा है मैं तो नहीं करा रही चीटिंग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इनक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा रीजन है द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू फाइव टू टेन मेमोरी लोब्स पक्की बात है सी करेक्ट आंसर आई यू श्योर सी इज द करेक्ट आंसर श्योर सी पक्की बात है सी एंड यू गाइज आर करेक्ट एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग इसको कर चुके हैं पहले हम आई थिंक जब हमने क्वेश्चन रिवाइज किया था चैप्टर रिवाइज किया था तब ये क्वेश्चन आया था सो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया बेटा मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा फिटोरिस उसके पार्ट हैं सारे इसको मिला के हम कहते हैं इसको वल्वा ठीक है तो ये करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है फाइव टू टेन मेमोरी लोब्स नहीं होते हैं तो दैट इज इन करेक्ट वेरी गुड बहुत बढ़िया सो so, इस हाउस का विनर कौन है भाई इस इसका विनर इसका विनर कौन है हाँ दीपू कहाँ गई भाई कृतिका सोनी इज अ विनर ऑफ द हाउस वेरी गुड कृतिका के लिए तालियां शाबाश कृतिका के लिए तालियां बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी राइट रीजन है देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन एट प्यूबर्टी शाबाश इसका क्या आंसर होगा ये बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए इस बार तो मेरे लगता है सारे विनर ऑफ द हाउस होंगे ए पक्की बात है ए इज राइट आंसर पक्की बात आर एप्सोलूटली राइट ए इज अ कर स्टेटमेंट करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेशन ऑफ ए बेटा राइट ऑफ प्यूबर्टी में शुरू होती है और दूसरा रीजन इसका बिल्कुल क्योंकि तब जी एन आर एच एकदम पीक लेवल पे होता है अगर contrary, कॉन्ट्रेडी contrary में देखा जाए तो जो आपकी है वो तभी स्टार्ट हो जाती है, female baby womb. Embryonic stages ठीक है? लेकिन ये आपकी ऑफ द हाउस फॉर दिस राउंड वेरी गुड सार्थक पतिधर के लिए तालियां भाई बहुत बढ़िया सार्थक पति के लिए बहुत बढ़िया वेरी गुड सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन एजर्शन है जाइना एट एज ए कॉप्युलनाल एंड फर्टिलाइजेशन केनाल रीजन है बोथ इनसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट्स अकर्स इन द वज़ाइना ऑफ द फीमेल शाबाश ध्यान से आंसर देना इसका हाँ, 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 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है डी होगा पक्की बात है डी होगा डी डैम श्योर

राइट right? ठीक है डन वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सो सबसे पहले यार गरिमा के लिए गरिमा कौन है भाई दीपाली के लिए है ना गरिमा बार बार लिख रहे हैं यहां पे गरिमा चौधरी के लिए तालियां क्या आता है भाई गरिमा चौधरी के लिए तालियां फॉर दिस आ, आ, सेशन फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है बहुत बढ़िया एंड दीपाली के लिए भी तालियां दीपाली हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड वेरी वेल दीपाली तूने इतना अच्छा आ, वो किया मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे अभी वो बनाऊ मॉनिटर बनाऊ आज पूरी क्लास में हाँ बना तेरे बहुत अच्छा किया बेटा हाँ दीपू गुड जॉब वेरी गुड है ना है ना दीपू करेगी नेक्स्ट टेन क्वेश्चन तक करेगी

के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपने सबने सॉल्व किया ही है और मैं आपको बता दूं कि उसका क्या होता है एक पैराग्राफ दिया होता है आपको उसको आपने रीड करना होता है और उसके बेसिस पे आपने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं एक पैराग्राफ में आपके पांच क्वेश्चंस होते हैं तो पांचों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं राइट ठीक है तो चलो शुरू करें शुरू करें चलो शुरू करते हैं सो so आप पहले पैराग्राफ पढ़ लो पैराग्राफ है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म

देखो आपके सामने लिखा भी हुआ जिसको नहीं पता चल रहा ना देखो यहाँ पे लिखा भी है माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन मियोटिक मियोटिक आपको खाली देख के आंसर करना है इसको सी इज अ करेक्ट आंसर आर यू श्योर चा वेरी गुड वेरी गुड हम्म एंड द करेक्ट आंसर इज सी ओनली मियोसिस एंड माइटोसिस तो आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया जो पहले प्रोलिफरेट करते हैं मतलब एक अपना बंच बनाते हैं

पिंकी रावत के लिए तालियां भाई वेरी गुड वेरी गुड पिंकी रावत के लिए तालियां शाबाश एंड uh, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय अच्छा ये आपको खुद से देना है टी एस एच एफ एस एच एम एस एच और ए सी टी एच शाबाश hmm. शाबाश शाबाश बेटा टाइम नहीं चेंज हुआ है टाइम अभी शाम को सात बज गए बट अभी सीबीएसई रात्रि के लिए है सुबह का टाइम हाँ शाबाश बी बी इज द करेक्ट आंसर हाँ शाबाश शाबाश बी होगा पक्की बात है स्पर एंड यू गाइज आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट एफएसएच ही होगा इसका सही आंसर बाकी तो कोई हार्मोन से मैच भी नहीं करता है एंड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक जो होगा वो सटोली सेल्स पे एक्ट करके हेल्प करता है 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 ना और जो आपका जर्म सेल्स सेल्स पे सीधा हेल्प करता करता वो होते हैं आपके लेडिक एक्ट राइट वेरी गुड बहुत बढ़िया सो एफ एस एच एक्ट करता है, right? है।, so है सटोली सेल्स पे याद रखना है तो ये आपको एक जनरल आंसर देना था पैराग्राफ से रिलेटेड है बट नॉट डायरेक्टली हाँ तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आएंगे ओके okay? जामगर पांडे विनर ऑफ द हाउस वेरी गुड बहुत बढ़िया दूसरी बार वेरी गुड शाबाश में चेक हा कौन बार बार विनर हो रहा है सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फाइनली प्रोड्यूस्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्पर्मेटोजोआ एक सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना प्रोड्यूस करेगा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हा ए है बी है सी या डी आंसर होगा शाबाश वेरी गुड 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 हाँ शाबाश 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 बी इज द करेक्ट आंसर आर यू श्योर एंड यू गाइजली करेक्ट बी तो एक स्पर्मेटो साइट प्राइमरी स्पर्मेटो साइट बेटा क्या करेगा आपके चार स्पर्म्स बनाएगा एंड में ठीक है ना ऐसे डिवाइड करेगा अब सेकेंडरी स्पर्मेटो साइट बन गए दो इसके तो दो प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे और स्पर्मेटो बनाएंगे तो एक दो तीन चार बन जाएंगे प्राइमरी से दो स्पर्मेटोसाइट दो, इस एक एक स्पर्मेटोसाइट से आगे दो स्पर्म्स और यहां से भी दो स्पर्म्स ठीक है लाइक दैट वेरी गुड टॉक्सिक फैजान इज द विनर नाम देखो कैसे कैसे रखे हुए हैं टॉक्सिक फैजान इज द विनर ऑफ द हाउस वेरी गुड शाबाश टॉक्सिक फैजान नाम देखो यार तुम्हारे यहां क्वेश्चन फोर्टीन 14 क्वेश्चन नंबर इन स्पर्मेटोजेनेसिस द फेजेस ऑफ मैचुरेशन इन्वॉल्व स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या फेजेस हैं बेटा मैचुरेशन के क्या-क्या रहता है देखो हाँ फेजेस क्या रहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के शाबाश मियोसिस टू टू द इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम द गोनोसाइट थ्रू माइटोसिस

ए नहीं लग रहा है ए ही होगा ठीक है ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये नहीं होगा स्पर्मेट द ऑफ क्योंकि ये जो स्टेज है ना ये बी वाला ये मल्टीप्लीकेशन स्टेज है 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 ना वो स्टेज हाँ ये भी मल्टीप्लीकेशन स्टेज है ये तो खैर आउट ही हो गया उगोनिया थोड़ी बनेंगे इसमें ठीक है विनर ऑफ द हाउस कौन है इस राउंड का शाबाश 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 वेरी गुड कौन है विनर द हाउस इस राउंड का अरे उस विन विन हो गया अन्य दो बार जामनगर पांडे दो बार आ गया सोनालिका दो बार आ गई वेरी गुड बढ़िया क्वेश्चन फॉर दिस पैराग्राफ वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल स्टेज और क्या है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का शाबाश शाबाश हाँ दीपू रॉक याशी रॉक्स या शाबाश शाबाश वेरी गुड वेरी गुड 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 शाबाश वेरी गुड बहुत बढ़िया डी इज करेक्ट आंसर डी पक्का गो टिल जू चोर एंड डी इज एप्सुलटली द करेक्ट आंसर गो साइकिल टिल जू करेक्ट आंसर इज डी ओनली स्पर्मेटो

Thank you. दीपू आंसर मैंने पहले दिया है अच्छा तुम लड़ोगे एक दूसरे से अब मैं जा रही थी पाली को तो ऐसे मत करो यार हाँ तुम ऐसे ऐसे मत करो भाई ऐसे मत करो उसको उसको परेशान नहीं करो यार चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बहुत ही बढ़िया बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस यार बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी नाइस एंड तो हमने अभी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है एंड अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ आई थिंक वी आर बैक टू बेस्ड क्वेश्चन आई ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हॉर्मोन स्टडी द गिवन फिगर ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आंसर द्वेश्चन पहले आप ये भी देख लो कि A, ये देखो, ये P है, ये आपका है, है आर और एस कहाँ गया ये आपका एस और ये आपका टी है ठीक है तो आप देखो विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लेबल्ड पार्ट बी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में चलो शाबाश हम्म करेक्ट लेबल पार्ट पी क्या है बेटा देखो जरा शाबाश 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 वेरी गुड बी बी फॉर डैम श्योर पी इज एंड द एपिड शाबाश शाबाश एंड यू गाइज आर एप्सोल्यूटली करेक्ट पी इज द एपिडीडाइमिस विच स्टोर एंड नरिश द स्पर्म आपको पता है बेटा एपिडीडाइमिस के आपके तीन पार्ट होते हैं कॉर्पस कैपिट एंड योर काउडा ठीक है तो ये आपका सबसे ज्यादा हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है एंड इसमें आपके डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स जो हैं वो लगते हैं राइट right? ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया सो so, इसका इस, इस विनर ऑफ द हाउस कौन है डी कैपेसिटेशन फैक्टर्स लगते हैं यस 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 ऑफ कोर्स चल वेरी गुड बहुत सारे क्वेश्चंस ने पहले आंसर दे दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं न्यूट्रल कर देते हैं तो so, सबको जो है इसका विनर बना दिया हमने बस

पक्की बात है आर बी अच्छा आर इजैक्यूलेटरी डक्ट आप कह रहे हो नहीं होगा क्यों नहीं है हा बी करेक्ट आंसर है आर यू श्योर बी डायम श्योर आई इवन आई ऑल्सो एम डायम श्योर आई एम सो हैपी दैट माई चिल्ड्रन आर ऑल्सो डायम श्योर सो बी इज द करेक्ट आंसर आर बेटा आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट है आर इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट ठीक है आर क्या है इजैक्यूलेटरी डक्ट है जो क्या सेमिनल वेसिकल और वैस डिफरेंस को मिलके ओपन होती है यूरिथ्रा में ठीक है सेमिनल वेसिकल और वैस डिफरेंस मिलती है और फिर ओपन होती है यूरिथ्रा में थ्रू डक्ट। कौन विनर ऑफ द हाउस कौन है <coughs> लेबल नहीं दिख रहा है दिख रहा है बेटा दिख रहा है, है। मेरे सामने वो आउटपुट है शाबाश वेरी गुड बहुत बढ़िया इज द विनर ऑफ दिस हाउस वेरी गुड वेरी गुड शाबाश सोनाक्षी के लिए तालियां भाई वेरी गुड बहुत बढ़िया सोनाक्षी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट इज इन करेक्ट फॉर क्यू क्यू के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इन करेक्ट है शाबाश क्यू के लिए शाबाश 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 विथ स्टेटमेंट इज इन करेक्ट फॉर क्यू गो 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 क्यू आर ओनली टू इन नंबर इनकरेक्ट पूछा है भाई टेस्ट इज इट आंसर है, शेक कर रहा है सी, सी सही आंसर है। है रहा मैम, मेरी मेरी नॉलेज कहती है कि शेक के आंसर हमेशा सही होते हैं तो सी सी लगा ले सी कर ले आ? गरिमा सी लग रहा है आदित्य कह रही मैम सी लग रहा है पिंकी रावत कह रही सी हंड्रेड 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 परसेंट है एंड यार आई ऑल्सो एम विद यू टू सी ही इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही जवाब इट अराइज फ्रॉम द रीटी टेस्ट विच इज आंसर आपका सबसे पहला बेटा जो क्यू है दैस डेफरेंस और वैस डिफरेंस बेटा आपकी आती है एपिडीडाइमस से एपिडीडाइमस से आती है वैस डेफरेंस आपकी कहां से आती है देखो ना यहाँ पे एपिडीडाइमस एपिडीडाइमस से होते हुए आगे आती है And yes, सब है ठीक है ना सबको समझ में आ गया ना ये वाला हाँ तो सी इज इट अराइजेज इट डज नॉट अराइजेज फ्रॉम द रिटी टेस्ट इज इट अराइजेज फ्रॉम द एपरमिस ओमकार केरुआ इज अनर ऑफ द हाउस केूरा ओम कारूरा इज अनर ऑफ द हाउस वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर Which structure passes through the prostate gland that carries sperm and secretion of the seminal vesicle? Which structure passes through the prostate gland? Sperm and secretion of the uh, shabas. <coughs> P, P H Q R T A S R R. Hai. Yeah. Hmm. I think हाँ डी सही आंसर है डी पक्की बात है अरे ढंग से आंसर देखो डी पक्की बात है डी डैम श्योर हाँ पक्की बात है डी इज द राइट आंसर आर प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पूछा यार देख लो हम्म हाँ? हम्म शाबाश पक्का चलो तो तो इसमें मुझे लगता है कि आ, काफी ज्यादा जो है वेरेड um, आंसर्स होंगे और डी लग रहा है और द करेक्ट आंसर इज डी ऑनली वेरी गुड शाहबाश बहुत बढ़िया डी इज द करेक्ट आंसर सो आर बेटा इसका होगा एंड यू सी आर जो है हमारी इजैक्युलेटरी डक्ट है मैंने आपको पहले भी बताया है एंड स्ट्रक्चर पास इज द प्रोस्टेड ग्लैंड फॉर्म एंड सिक्रिशन ऑन द सेमिनल वेसिकल तो सेमिनल वेसिकल जो है अपना सिक्रिशन इजैक्युलेटरी डक्ट में डालता है विच इज सेमिनल प्लाज्मा

Last question of this uh, case study based question Which of the following structure joins with the seminal vesicle to form the ejaculatory duct? Ha ha. This is the question. This is the question. with the following structure joins the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. Very good. Mm -hmm.

कौन है विनर ऑफ़ द हाउस फॉर दिस राउंड? विनर ऑफ द हाउस के लिए तालियां so, एक बार के लिए तालियां एक बार दीपू के लिए भी तालियां यार दीपाली चक्रवर्ती के लिए तालियां वेरी गुड जॉब और अब हम आगे के तीस क्वेश्चन करेंगे अगले तीस क्वेश्चन में तो आज क्योंकि दीपू इज विनर मॉनिटर शी हे बीन एक्सीलेंट मॉनिटर सो एक्सिलेंट मॉनिटर को आज मैम के साथ में थ्री टीचर्स फॉर अवर वो वी मॉनिटर ऑफ द क्लास हा दीपू mm. जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मॉनिटर बनाएंगे क्लास में ठीक है चलो आ जाओ चेंज so, होंगे एवरी क्लास मॉनिटर चेंज होंगे जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उसको हम स्टार मॉनिटर बनाएंगे ऑफ द वीक ठीक है कम्युनिटी पेज में उसकी फोटो के साथ में वो होगा ठीक है पोस्ट करेंगे उसके बारे में ठीक है हाँ चलो शाबाश बॉस बहुत, बहुत बढ़िया बहुत सारे लोग पहले से क्वेश्चन से पहले आंसर दे रहे हैं तो गलत बात है वो तो <laughs> चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी पैसेज क्वेश्चन The first menstruation is called menarche that usually occurs between 12 to 15 years in human females menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days and is called menstrual cycle it is regulated by a certain hormones as pituitary gland is stimulated by releasing factors produced by the hypothalamus fine the hormone produced by the pituitary gland influences the ovaries हॉर्मोन सीक्रेटेड बाय द ओवरिज अफेक्ट दूट्रस ठीक है तो अभी बड़ा पैराग्राफ सा लिखा है और आपसे क्वेश्चन पूछा है ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमीट्रियम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या होगा ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमीट्रियम इज अरेक्टरिस्टिक सी होगा sure. आई एम डायम श्योर ऐदर अली कह रहा है मैम सी पे लॉक कर दो डायम श्योर एंडोमीट्रियम कब टूटती है

कौन से जो दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो करते हैं शाबाश सी प्रोलिफरेटिव फेज पता है ना आपको क्या होता है फॉलिकुलर फेज हम्म 6 टू 13 10 टू 14 15 टू 28 शाबाश 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 डी होगा पक्की बात है पक्की बात है यार मुझे तो कुछ और लग रहा है मुझे लग रहा है सी इज द करेक्ट आंसर एंड सी एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर 6 से 13 बेटा देखो वन टू फाइव तो फेज है मैं आपका फॉलिकुलर यान डे से लेके आपका ल्यूटियल या सिक्रिटरी फेज है ठीक है डन हो गया ना तो सिक्स टू थर्टीन इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया वे बहुत बढ़िया इस इसका इसका विनर कौन है इस राउंड का इस राउंड का विनर कौन है वेरी गुड वेरी गुड टॉक्सिक फैजान के लिए तालियां नाम देखो वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया देना जब नई श्योर होगी तो बता देना कि मुझे नहीं देखा गया ठीक है हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग सिक्रिटरी फेज सिक्रिटरी फेज में क्या होता है चलो शाबाश hmm? शाबाश शाबाश हम्म शाबाश 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 वेरी गुड हाँ शाबाश 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 गुड 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 ए पक्की बात है ए डी भी लिख रहे हैं कई बच्चे बी है ये तो अकड़ बकड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे सौ ए भी लिखो बी भी लिखो सी भी लिखो डी भी लिखो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा एज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर डैम श्योर आई आइयोसम डैम श्योर तुम्हारे साथ में सो so ए ही करेक्ट आंसर है इसका बिकॉज फॉलिकल इन टू कॉर्पस ल्यूटियम है ना फिर वो कौन सा हॉर्मोन रिलीज करता है बेटा प्रोजेस्ट्रॉन द प्रेगनेंसी हॉर्मोन और जैसे ही प्रेगनेंसी हॉर्मोन सिक्रिएट करता है थोड़े टाइम के लिए जब वो डिमनिश होने लगता है तो वो बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन जाद राइन इज द विनर ऑफ द हाउस फॉर दिस राउंड वेरी गुड अजाद राइन के लिए तालियां राइन वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश सो so, हाँ एल्बिकन्स कहते हैं येलो बॉडी इज द दूटियम इज द येलो बॉडी कॉर्पस एल्बिकन्स इज द वाइट बॉडी करेक्ट है डन डन वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी नाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आइडेंटिफाई द हॉर्मोन दट अटेंड द पीक लेवल ड्यूरिंग द ऑवलिटरी फेज क्या बात है इतना ईजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई द हॉर्मोन जो पीक लेवल अटेंड करता है ये तो मास आंसर आना चाहिए एकदम सही आंसर हाँ हाँ ओवलिट्री फेज के दौरान पीक अटेंड करता है कौन कौन इस पर डांस है मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना चाहती हूँ क्या कॉन्फिडेंस है तुम्हारा कौन कौन डैम शोर है इस पे शाबाश हम्म एंड डैम शोर ए है ए इज डैम शोर एंड एज बोध सर्ज नहीं ये ये गलती मुझसे भी हो जाती शायद um, मैं भी इसको एल एच बिकॉज एल एच सर्ज एल एस सर्ज हम लोग बोलते हैं बट बोथ ए एंड सी होगा इसका आंसर तो दैट इज़ योर एल एच एंड एफ एस एच आई एम सो सॉरी मुझे ऐसा लगता है कि एल um, एच होना चाहिए इसका आंसर बट हाँ इफ़ वी सी द ग्राफ तो एफ एस एच भी आपके टॉप लेवल पे होता है ना एफ एस एच भी टॉप लेवल पे होता है तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि हॉर्मोन्स दैट अटेन पीक लेवल

दुख जब होता है ना तो उसके साथ याद करना है बस उसको बस याद करके उसे लर्निंग लेनी है ठीक है उस पर चिपकना नहीं है दुख पे चिपके रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है क्यों होता है हो क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा श्रेया जान नहीं मॉनिटर तो चेंज नहीं होगा बेटा ठीक है हाँ इतने गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं दैट मीन्स रिविजन की जरूरत है जाके सीबीएसई रात्रि फर्स्ट जो वो है ना जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया उसको पढ़ो एक बार फिर से ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विद्रॉल ऑफ विच हार्मोन कॉजेज द डी जनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन का विदड्रॉल जो है वो डी ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है ये बहुत इसका तो आंसर आई थिंक एक ही है और सब लोग बच्चे आंसर देंगे सही आंसर देंगे शाबाश 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 हाँ वेरी गुड वेरी गुड हाँ डैम श्योर है ना शेख हैदर रानी खुशी नमीरा बी बी सही आंसर है यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट आई लाइक यू फॉर दैट प्रोजेस्ट्रॉन बी डैम श्योर ना डी जनरेशन ऑफ um नहीं <laughs> नहीं nah, nah. एक्चुअली बी बी रॉन्ग आंसर नहीं है uh, तो आई थिंक ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पुटअप किया जाना चाहिए था फ्रेमिंग uh, में गलत हो गया बिकॉज दोनों ही इसके इक्वली गुड मतलब वो करेक्ट आंसर हैं इक्वली करेक्ट आंसर्स हैं दोनों प्रोजेस्ट्रॉन uh, जो है देखो एल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से हेल्प तो करता है प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज कराने की लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन भी तो ये आंसर जो uh, ये क्वेश्चन आई वुड से कि इसका फ्रेमिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया खुद ही क्या होगा ना किसी ने क्वेश्चन फ्रेम है तो कोई बात नहीं तो बी वाले भी सही है और ए uh, भी इसका सही आंसर होगा बट आई थिंक बी वॉज मोर कन्विंसिंग आंसर प्रोजेस्ट्रॉन होगा डी जनरेशन ऑफ ल्यूटियम नहीं आई थिंक एल एच ई सही आंसर होगा आई एम सो सॉरी बॉट दल एच ही तो सही आंसर होगा ना इसका एक मिनट रुको देखो अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टरॉन सिक्रीट करता है तो कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है सुनो धो दिमाग लगाते हैं ना तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होना तो उसको डिजेनरेट नहीं कराएगा इनफैक्ट जब वो डिजनरेट हो जाएगा तो कॉर्पस सॉरी uh, प्रोजेस्ट्रॉन भी कम हो जाएगा दैट मीन्स उसको कोई और हॉर्मोन जो है वो रेगुलेट कर रहा है दैट मीन्स इसका सही आंसर एलच ही होगा एलच होगा इसका सही आंसर नहीं 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 आई एम रॉन्ग

तालियां उनके लिए भाई बहुत बढ़िया very good, very good. किस, आ, किस किस हा, हा, ही होगा, ही होगा। मैंने बता दिया आपको की क्यों होगा है ना कोई बात नहीं थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के आप भी करोगे और हम भी करेंगे और इस तरह से हम हो जाएंगे सक्सेसफुल ठीक है चलो शाबाश चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये so, हो गए आपके आई थिंक रिप्रोडक्टिव हेल्थ आएगा यस तो अभी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है यार वो कर लिया है अब हम जा रहे हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो अभी के लिए सब विनर्स के लिए तालियां फर्स्ट ऑफ ऑल का अभी तक की विनर है उसके सबसे ज्यादा जो है आंसर दिए हैं सही है दीपू है ना दीपाली का ने सबसे मैक्सिमम आंसर दिए हैं ना सोनालिका इज द विनर ऑफ द हाउस फॉर दीज ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन एंड फॉर ऑल ऑफ द विनर्स जो भी जिन लोगों ने भी बच्चों ने आंसर दिए हैं गुड जॉब वेरी गुड बहुत बढ़िया एंड नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन के लिए भी हम लोग देखेंगे एंड वन बिग चेयर फॉर आवर मॉनिटर ऑफ द क्लास ऑल्सो डूंग ग्रेट जॉब हाँ दीपाली चक्रवर्ती के लिए तालियां ठीक है एंड अब देखते हैं यार आगे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में कौन विनर होता है तो चलो शुरू करते हैं या हाँ राइट राइट चलो शुरू करें सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ और टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑन दैट चले शुरू करें चलो आओ देखते हैं अभी आ जाओ हा सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इज एसर्शन रीजन ऑनली अ पर्सन शुड बी कंसिडर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थी इफ दे हैव हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बट आर इमोशनली इम्बेलेंस्ड रीजन दिस स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया जोक है ये तो. hmm. आ, तो तो पता चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर आंसर श्योर डैम श्योर लिखो सो देट है मुझे मजा आया देखे मेरे बच्चे एकदम टॉप रहे एकदम कर रहे हैं सो so, हा

टल एंड सोशल वेलबिंग इवन ऑफ द रिपोर्डक्टिव हेल्थ वाइज रिपोर्डक्टिव गिमा चौधरी इज दिन के लिए तालियां वेरी गुड गरिमा गरिमा के लिए तालियां बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड शाबाश गरिमा के लिए तालियां और आगे बढ़ते हुए हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये रहा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इज फॉर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया रीजन इट डील्स विद क्रिएटिंग अवेयरनेस अमांग द वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट सो क्या लगता है आपको शाबाश वेरी गुड हाँ हाँ रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज हैं और ये रिपोर्डक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट है पक्की बात है एज द करेक्ट आंसर श्योर ए इज द करेक्ट आंसर आई यू श्योर

C is the correct answer. Are you sure about that? Sure. C is the correct answer. If assertion is true but reason is false. Assertion बेटा आपका true है wide range of contraceptive but reason natural method में condoms और diaphragm थोड़ी आएंगे है ना reason में उल्टा कर दिया है right reason में उल्टा कर दिया है right very good winner of the house कौन है इसका कौन है winner of the house for this round very good हम्म hmm. हाँ huh. करणदीप इज अनर ऑफ द हाउस फॉर दिस राउंड वेरी गुड करणदीप के लिए तालियां शाबाश 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 बहुत बढ़िया देखो बेटा मेंटी भी आपका होगा डोंट यू वरी अबाउट दैट मेंटी भी होगा बट अभी ये जो क्वेश्चन थे ना इनका डिस्कशन ऐसे ही होना चाहिए था वाई बिकॉज इससे थोड़ी क्लैरिटी आती है आपको अदरवाइज मेंटी में ना यू ऑलवेज यू डोंट लिसन ना इवन इफ यू वॉन्ट टू आप नहीं सुनते हो ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है ना आप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करते हो है ना तो डोंट वरी कोई बात नहीं मेंटी भी हो जाएगा इसके बाद में एंड आई आई नो यू आर मिसिंग मेंटी मेंल्सो एम बट इन क्वेश्चंस का डिस्कशन ऐसे ही होना अच्छी बात है मैं सिर्फ ऐसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेंटी काम नहीं कर रहा एम जस्ट कवरिंग दैट आप फॉर दैट आई एम जस्ट बींग ऑनेस्ट विद यू इन क्वेश्चन का जो रिविजन है वो ऐसे ही होना बेटर था आपके लिए ठीक है शाबाश चलो 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 दीपू यार पार्शियल यार आप मेरे आंसर तो नहीं देखते होते हैदर ऐसे मत बोल बेटा इसको बोल देना कि दीपू मैं विनर था इस बार है ना तू चेक कर ले ऐसे नहीं बोलते हैं है ना बहुत सारे तरीके होते हैं बात को बोलने के हाँ <laughs> ठीक है हाँ शाबाश शेख आई एम अ न्यू स्टूडेंट वेरी गुड कृतिका सोनी इज अ विनर वेरी गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यार क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी Assertion है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज ठीक है दिस एनकरेज्रन टू बिलीव इन मिट्स अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इॉजिकल जोक हो गया भैया शाबा शाबाश वेरी गुड हाँ हाँ गुड 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 कीप गोइंग कीप गोइंग शाबाश शाबा शाबाश हम्म ए मैम पक्का मैं तो बोलती हूं ए तो कभी हो ही नहीं सकता है ए तो कभी नहीं हो सकता है कभी भी नहीं हो सकता द द करेक्ट आंसर वुड बी योर डी सी बिकॉज दर्शन इज ट्रू बट रीजन इज वेरी मच फॉल्स रीजन भाई बिल्कुल फॉल्स है रीजन इज टोटली फॉल्स रीजन आपका टोटली फॉल्स है क्या मिथ्स को थोड़ी हमने वो करना है एनहांस करना है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन Assertion hai, amniosynthesis is often misemployed. Reason, amniocentesis is meant for determining the genetic disorders in the fetus but is being used to determine the sex of the fetus leading to female feticide. Karan Deep was a winner for the next, uh, last question. Good job Karan Chalo, 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 shabash, shabash. A e is the correct answer. Ananya was a winner. Ananya was a winner. Haan.

चलो 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 जील बैरोट विनर ऑफ द हाउस फॉर द लास्ट के लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने शाबाश हम्म थोड़ा जल्दी करते हैं हाँ 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 शाबाश 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 पक्का ए ए मैं कह रही जिंदगी में कभी नहीं हो सकता ए तुम्हारा पक्की बात है मास आंसर आना चाहिए डैश डैम शोर

ए सौम्या प्रजापति कह रही मैम ए एम डैम श्योर हैदर मैम ए डैम श्योर हाँ रानी रॉय ए उसको हंसी भी बहुत आ रही है हा हा वही स्माइली भी आ रही है साथ में हाँ ठीक है हाँ हाँ नेक्स्ट बाकी बात है यू आर एब्सोल्युटली राइट इफ यू आर राइटिंग द बी रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट एम एम आर एंड आई एम आर लीड्स टू द प्रॉब लीडिंग टू योर ये पता ये इसका रीजन नहीं है ये इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए थी पैराग्राफ लिखा है कि भाई साहब एम एम आर और आई एम आर के डिक्लाइन होने की वजह से इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि खाने और इसके भी लाले पड़ गए हम इसका जो रीज़न था वही हो जाना था एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस की वजह से ये जो है वो आपके डेथ uh, पॉपुलेशन uh, बहुत ज्यादा बढ़ रही है ओमकार केरूरा इज अनर ऑफ द हाउस फॉर ओमकार कार के लिए तालियां बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ना दोनों स्टेटमेंट सही थे पीरियॉडिक एप्सेंस इज अ मेथड इन विच कपल्स अवॉइड फ्रॉम को मेन्चुरल साइकिल रीजन इट इज वेरी इफेक्टिव मैथड एंड्रेड परसेंट श्योर ऑफ द बर्थ कंट्रोल शाबाश ए इसका कभी आंसर नहीं हो सकता हम्म हम्म सी शेख नहीं बेटा तेरे आंसर्स एकदम सही आ रहे थे ये तो सही आंसर नहीं लग रहा मुझे हाँ डी डैम श्योर यूजर सेवनटीन पक्की बात है डी पक्की बात है सही आंसर है डी एंड द करेक्ट आंसर इज डी ओनली बोथ ए एंड आर आर फॉल्स स्टेटमेंट पीरियोडिक एसेंस सेवेंटीन टू ट्वेंटी सेवन नहीं होता है टेन टू सेवनटीन होता है फर्टाइल विंडो ठीक है ना एंड इट इज नॉट हंड्रेड द फेलियर के चांसेस जो होते हैं इसमें वो बहुत ज्यादा होते हैं राइट right? सो so, बहुत ज्यादा आपके के चांसेस बिकॉज ये नेचुरल मैथड में फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन देर इज अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग टेन टू सेवनटीन डेज ऑफ साइकिल रीजन मेन्सुरशन अकर्स ड्यूरिंग दीज डेज शाबाश 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 ए पक्की बात है ए करेक्ट आंसर होगा ए ए करेक्ट आंसर होगा पक्की बात है शाबाश 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 वेरी गुड 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 हाँ एंड यू गाइज आर एब्सोल्युटली करेक्ट ए ही सही आंसर होगा ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन एकदम सही हाँ ओव्यूलेशन होती है भाई टेन टू सेवेंटी फर्टाइल विंडो है राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन In barrier methods, ovum and sperms are prevented uh, from physical meeting. Garima Chaudhary was the winner of the house for the last round. Garima, very good. Reason Barrier methods are used during coitus to prevent the entry of the ejaculated semen into the female reproductive tract. Shabash, very good. Huh? Physical meeting. Barrier methods are used in coitus to prevent the entry of the ejaculated semen into the female reproductive tract. Huh? शाबाश शाबाश हम्म ए इज अ करेक्ट आंसर श्योर श्योर एंड ए इज करेक्ट आंसर बहुत 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 बढ़िया ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन है ना रीजन एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया सही तो है ठीक है ना उसमें सीमन को एंट्रेंस से ही तो रोकते हैं इनफैक्ट सीमन में भी स्पर्म्स के एंट्री को रोकते हैं सीमन तो फिर भी होता है बट आई वुड ठीक है मतलब मैं थोड़ा रीजन से थोड़ा कम कन्विस्ड हूँ बट इफ इट स्टडी हैदर अली इज द द विनर ऑफ हाउस फॉर दिस राउंड हैदर अली के लिए तालियां वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन अब आइए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सो अभी तक के लिए जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन सब के लिए तालियां बहुत बढ़िया वेरी 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 गुड

शाबाश वेरी गुड 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 शाबाश 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 हम्म शाबाश हा सी लग रहा है पक्की बात है फ्रॉम विच द डिजीज इज क्लाइमेडाइजिस गोनोरिया एंड सिफिलिस टू टू हम्म श्योर एंड करेक्ट आंसर इज सी ओनली गोनोरिया इज अ

Which among the following reproductive tract infections is transmitted by bacteria? Trichomoniasis, Chancroid, Genital warts, both A and B. Shabash. Bacterial disease कौन से हैं आपको? In short आपको आंसर देना है। शबश। हैदर कह रहे हैं मैम A। हैदर मैं क्योंकि द्वारा चेक कर आंसर। रानी कह रही मैम D। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत बहुत ऐसे वैरीड आंसर्स आ रहे हैं आपके और द करेक्ट आंसर इज अरे शेंक्रोइड हीमोफिलिस डकर इट इज अ बैक्टीरिया ट्राइकोमोनियासिस इज ट्राइकोमोनास वेजिनलिस इट इज अ प्रोटोजोआ जेनिटल वार्ड्स या आपका एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वायरल डिजीज है राइट ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 थड ऑफ ट्रीटमेंट विल बी यूजफुल फॉर हिम कौन सा मेथड उसके लिए यूजफुल रहेगा शाबाश जल्दी बताओ हाँ अच्छा हाँ विनर तो देखा ही नहीं कौन था विनर हाँ शाबाश शाबाश हाँ विनर तो देखा ही नहीं फिर लास्ट का शाबाश शाबाश गुड 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 जॉब सी पक्की वादा सी पक्की वादा सी आंसर होगा सी huh. सी पक्की बात है आंसर होगा नाउ लेट अस जस्ट सी सी जो है कि सही आंसर है नहीं है एंड यूजफुल फॉर हिम कौन सी द करेक्ट आंसर यूज ऑफ एम्पसिलिन बिकॉज एम्पसिलिन इज एन एंटीबायोटिक क्रायो सर्जरी ने क्रायो मतलब कि ठंडा जो न, कोल है ना कोल्ड ट्रीटमेंट है वो नहीं यूज ऑफ पोडोफाइलम प्रिपरेशन वो भी नहीं यूज ऑफ एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन बिकॉज एम्पिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक और आपको पता है बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए एंटीबायोटिक ही काम करती है लास्ट लास्ट राउंड तो छूट गया इसका कौन है वे विनर देखो इसका इसका कौन विनर है एम्पिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक इट कैन नॉट बी ट्रीटेड ये कभी नहीं हो सकता जील बैरोट इज विनर वेरी गुड बहुत बढ़िया जील बैरोट के लिए तालियां बहुत बढ़िया इट कैन नॉट बी ट्रीटेड ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ये बैक्टीरियल डिजीज है इसको ट्रीट किया जा सकता है बहुत बढ़िया है ना विनर विनर चिकन डिनर विच टेक्निक इज टू हिज डिजीज कौन सी टेक्निक इसको यूज कर सकते हैं डायग्नोज करने के लिए शाबाश शाबाश हम्म शाबाश, शाबाश हा कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए शाबाश 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 गो ऑन वेरी गुड ग्राम स्टेनिंग, एलाइजा एंटीबॉडी डिटेक्शन और द एंटीजन टेस्ट शाबाश। शाबाश ए पक्की बात है ए आंसर होगा पक्की बात है ग्राम स्टेनिंग, सो ग्राम स्टेनिंग डिस्चार्ज इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर बिकॉज वो बैक्टीरियल डिजीज है तो आपको पता है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है वो उस पर काम कर जाएगी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ अलाइजा इज फॉर वायरल है ना देखने जरूरी नहीं है बट uh, हाँ चलो ठीक है कह सकते हैं, hmm? तो बहुत बढ़िया, ऑर्ड वन आउट ऑर्ड वन आउट करो उसको हाँ वेरी गुड ऑर्ड वन आउट करो उसको शाबाश वेरी गुड हाँ हाँ हा 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 ऑड वन आउट करो उसको द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन ट्रिपोनिमा पैलिडम नहीं है निजीरिया गनौरिया भी नहीं है बिकॉज हेमोफिलिस ड्रे बिकॉज ये तीनों बैक्टीरियल हैं ये आपका प्रोटोजोन डिजीज है डी वुड बी द करेक्ट आंसर

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था फोर्टी टू फिफ्टी मिलियन एम टी पी आर डन इन ऑल ओवर दर्ल्ड पहला क्वेश्चन कितने, कितने uh, किया जा सकता है बी आई यू श्योर बी इज अ करेक्ट आंसर बी इज अ करेक्ट आंसर श्योर बी डायम श्योर ट्वेल्व वीक्स ऑफ द प्रेग्नेंसी करेक्ट ट्वेल्व वीक्स तक किया जा सकता है बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बी डैम श्योर ठीक है बी बिल्कुल सही जवाब है तो अब ऐसा करते हैं आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का पता चल चुका है अब हम चलते हैं अगला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे और उसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके आई थिंक फिर वी विल फिनिश इट फिनिश इट अपा चलो हाँ अ थर्टीन ईयर ओल्ड स्कूल स्टूडेंट has been diagnosed with aids he often complains of fever nausea headache and lethargy doctor advised done uh, drugs to the prolong his life so khan saga what could be the most likely mode of transmission of disease to this boy Chalo, shabash but Hmm. AIDS. artificial insemination sexual intercourse with infected partner for infected mother through use of the contaminated blade shabash shabash Huh. करेक्ट आंसर वुड बी ऑफकोर्स थर्टीन ईयर है उसने प्यूबिटी को हिट नहीं किया है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विदर तो आपका डी जो है आपने टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं एंड गुड जॉब गेरी वेरी वेरी गुड बहुत बढ़िया काफी काफी अच्छा परफॉर्म कियाउंड तो हैदर अली के लिए तालियां एंड हमारे क्लास मॉनिटर के लिए भी तालियां यार दीपाली चक्रवर्ती हैज डन अ ग्रेट जॉब सो so, दीपक थ्री दीपाली चक्रवर्ती बहुत बढ़िया वेरी 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 गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सो दैट वॉज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ द जोलॉजी सेक्शन ऑफ योर सी बी एस सी रात्रि यार आपको काफ़ी मेहनत मैंने करवा दी है तीन आपको सीरीज दे दिए हैं द फर्स्ट इज योर सी बी एस सी रात्रि में थ्योरेटिकल था

और ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये आपके वीडियो चल रहे, इसके लिंक में भी दिया है तो इसमें इस इस टेलीग्राम ग्रुप तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है चलो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन नाउ ओके बाय बाय नाउ अभी तो लंच का टाइम हो गया ना For jao. Farafers, lunch kar. in a breakfast nii kiya. breakfast karu. Chalo. Bye. 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 Bye.